गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं भय, भ्रम, भूल, भटकाव, इन विषयों में से एक विषय है भय। भय का कारक ग्रह मुख्यतः 9 ग्रह में से सबसे बड़ा राहु बनता है। अगर कहीं राहु नीच का हो या पीड़ित बन रहा हो, और स्पेशली 5, 2, 9 बैठने वालों का, और कुछ देखा गया है द्वादश राहु भी आदमी को बिना फालतू का भय देता है। अभी ये कुछ लोग जैसे तुला राशि वाले सप्तम राहु अभी चल रहा है, तो कुछ केसेस आ रहे हैं, मेष राशि वालों का भी कुछ केसेस आ रहे हैं, जो बिना फालतू का अहेतुक भय व्यक्ति के जीवन में बनता है। और ये भय का ज्यादा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड अगर कोई होता है तो मुख्य तो तुला राशि वाले होते हैं। देखिए तुला राशि का जो साइन है वो एक, हम लोग उड़िया में बोलते हैं निकिति तुला, और अगर तुला राशि वाला डरने लग गए तो फिर जब तक काउंटर वेट नहीं पड़ता है, काउंसलिंग नहीं होता है, तब तक वो भय से बाहर नहीं आ सकते। एक होता है प्रैक्टिकल भय, एक होता है अहेतुक भ्रम जनित भय, और मुख्यतः कुछ ना कुछ दशा अंतरदशा में ऐसा भय जनरेट होता है। और मैं देखा हूं अष्टमाधिपति या अष्टम स्थित ग्रहों का, और उनके ऊपर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं जाता हो, तो वो एक ऐसा समय रहता है जहां भय होता है। भय का कई प्रकार का भाग है। जैसे सोचो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारा ऐसे लेग पुलिंग, धोखा, दगाबाजी हो गया, तो आप फिर बिना फालतू का ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा करके भय में पड़ते हो। दिमाग में एक बार घुस गया कि ऐसा कुछ होगा, एग्जाम्पल कोई दिमाग में घुसेड़ दिया, तंत्र मंत्र जंतर, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, फिर मैं ऐसे भयभीत लोग देखा हूँ जो घर के द्वार बाहर नहीं आते। और वो चमत्कार ये होता है, जब भी कोई जाके उनको फूक झाड़ कर देगा या उनको कोई लाल सूता ताबीज उबीज दे देगा, फिर बड़ा साहस से निकलते हैं, फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर डर के घुस जाते। अच्छा, ये भय एक ऐसा तत्व है जो बड़े बड़े साहसी लोगों को, एकदम ब्लैक बेल्ट वालों को भी डरवाता है और बड़े बड़े तांत्रिकों को भी डरवाता है। और जिस भय के कारण जीवन पे बहुत सारे क्रिएटिव काम से पीछे हट जाते हैं, भय के कारण जीवन पे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, और उसको, इस भय को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन का नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा गीता में बता रहे हैं, मोह में पतित हो गया, ऐसे भय में पतित होना हर व्यक्ति के जीवन पे आम बात है। और जब आप उस भय से बाहर निकलते हो तो आपको खुद को शर्म लगता है कि यार मैं बिना फालतू का डर रहा था। सोचिए आप किसी कमरे में सोए हो फैमिली के साथ या किसी ऐसे अनजान जगह गए हो और बाहर बड़े बड़े बम फोड़ रहे हैं
और उसका हायर प्रेशर से वो दरवाज़ा खिड़की ढाए ढाए पिट रहे हैं। ऑटोमेटिक उसका साउंड वाइब्रेशन, ऐसा लगता है कि कोई आपको आके दरवाज़ा ठोक रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास कमजोरी है कि आपका फैमिली, इमेजिन करो कोई नहीं है आसपास। और जब आप सुबह दरवाज़ा खोलते देखते हो तो बोलते हो अरे यार कुछ नहीं है, मैं बिना फालतू का डर रहा था। और इतना डर कि आप इमेजिन करो रात को नींद ही नहीं हो। ऐसे ही हमारे उड़िया में बोलते हैं जहाँ पो को सांपो कामड़े ता माँ पाड़ा दौड़ी देख ले डरे, मतलब किसी का बच्चा को अगर कोई सांप काट लिया हो या कुछ किया हो और शाम को का टाइम कोई रस्सी गिरा हो तो उसका माँ उस रस्सी को भी देख के डरती है कि कहीं ये सांप तो नहीं है, और जब लाइट मार के देखता है तो अरे ये रस्सी है फिर अपने आप पे हंसते हैं। तो भय एक ऐसा ही खेल है। और ये भय एक तो राहु का भय है जो बाद में आप खुद ब खुद जब राहु महादशा या अंतरदशा खत्म हो जाए ना आप खुद अपने पे हंसोगे यार बिना फालतू का चीज पे मैं भय कर रहा था। लेकिन जो ट्रुथफुल फियर देता है वो शनि देता है, अगर सप्तम में बैठा हो या फिर मून साइन चंद्रमा में बैठा हो या शनि का दृष्टि कहीं से चंद्रमा तक जा रहे हो यानी विष योग बना रहा हो, ऐसा व्यक्ति के जीवन में ट्रुथफुल भय, अहेतुक भय, भ्रमजनित भय। और मैं देखा हूँ ऐसे कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग है, एकादश गुरु बृहस्पति हंस राजयोग इत्यादि इत्यादि बढ़िया रहता है, लेकिन जीवन का मजा ले नहीं सकते ड्यू टू ओनली फियर एंड भया। एक मेरे परम मित्र है, गाड़ी खरीदा है तो गैरेज में रखा है, नया से आज तक कभी नहीं चलाया, ड्राइवर बुला के चलाएगा तो देख के चला, बे ब्रेक मार बे दाग लग जाएगा, अबे चिप देगा, अब चिप देगा मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को तबाह देगा गाड़ी में। और ऐसा डरते डरते 11 साल गाड़ी रख के 30,000 रुपये में कार बेच दिया। लेकिन हम सबको जब ज्ञान हांकता है तो हम लोग भी बोलते हैं यार कितना ज्ञानी आदमी है, अच्छा हम लोग को साहस देगा और खुद डरता है अहेतुक आवश्यक नहीं। तो मैं अभी भय के बारे में बोलूंगा तो बहुत विषय है। आप सोचो कुल मिला के 35 किलो का कोई लड़का या लड़की एक 80 किलो का लड़का या लड़की को बिना फालतू का ब्लैकमेल फियर फोबिया में डालता है, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब बार 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 ब्रेन पे माइंड पे कोई फीड कर दे आप भी भयभीत हो जाते हो कितना भी। और इसका सबसे बड़ा मैं देखा हूँ रशियन पुतिन साहब, उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो लोगों को डरा डरा के बड़े काम ले लेते हैं ठीक है ना। तो इफ यू नो हाउ टू हैंडल द फियर वेदर यू विन और यू डिफीट, हार सकते हो, जीत सकते हो, हरा सकते हो, जिता सकते हो। बोलते हैं ना भय के आगे जीत। अच्छा ये भय का साइकोलॉजी क्या है ना, बचपन से माँ बाप सिखाते हैं डरने के लिए, बुढ़ा जाएगा मत जाओ बैठो हा बीबी ऊ तो डर का ट्रेनिंग माँ बाप सोसाइटी परिवार बचपन से छोटा सा बच्चों का दिमाग में डालते हैं। और अफ्रीका में तो ओशो जी का कहानी है कि 45 साल 50 साल का नौजुबक भी अगर उसका माँ या उसका पत्नी एक चौक में राउंड करके बोल दे कि यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, जाओगे तो मर जाओगे, वो फियर फोबिया ब्रेन में बैठता है तो एक छोटा सा चौक में राउंड करके वहाँ बैठाते हैं तो दिन भर तक वहाँ बैठते हैं हिलते नहीं हैं, फियर फोबिया। अगर आप जानते हो इससे कैसे बाहर निकलना है तो जिंदगी में हर क्षेत्र में जीतोगे। लेकिन फियर को छोड़ना भी खतरा है, ओवर कॉन्फिडेंस, गिरोगे मरोगे। मेरे जीवन पे मैं कराटे ब्लैक बेल्ट जब कर रहा था तो टूर्नामेंट गया था टाटा जेआरडी स्टेडियम में, फिर कलकत्ता में, ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट लड़ा।
आप भर कॉन्फिडेंस, मेरे ओपोनेंट को धुड़ धुड़ करके ठोकता हूँ। और एक लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे से हाइट वेट सब रहेगा लेकिन पहले से उसको नौटंकी करूँगा, डरा के उसको पीट देता था, फाउल हो गया। एक लड़का जो डरते डरते ऐसा करके मेरे पंच देखते ही ऐसे डरता है और हाथ ऐसे कर देता है, मैं घुसता हूँ मेरा पंच मेरा फेस उसका मुंह में लगता है, उसको पॉइंट मिल जाता है। तो मेरा गुरु तपन विश्वास बोले, आवर कॉन्फिडेंस, डरना सीखो। और डरना के लिए मेरे को ट्रेनिंग लेना पड़ा, नहीं तो ऐसे ही मेरा नाम बिछवाती और हनुमान भी बोलते थे कोई कोई, चलता बस में कूद के छलांग, सीधा कुआं के नीचे छलांग, चलता ट्रेन आज भी रिकॉर्ड है मेरे दोस्तों को ये पता है, गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस से छलांग। तो ऐसे महाबंदर हुआ और इसका परिणाम ये भी बहुत कुछ हुआ। आज इस विषय दिमाग में आया ये भय का, एस्ट्रोलॉजिकल दशा अंतरदशा प्लस गोचर फल सपोर्ट करे, अच्छा से अच्छा शेर भी डरने लगता है। एक मेरा गुरु टाइप है, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, भूत प्रेत पिशाच को पॉकेट में लेके घूमते हैं और चंद दिनों से खुद उसे भूत के भय में घूम रहे हैं, ठीक है। तो बोला फिर वो कौन किसे संभालेगा, वो हद था कि महाराज बोले यार मेरे को फूक फाक दे थोड़ा, कुछ रस्सी उस्सी ला के बांध दे ताकि मेरे को भूत नहीं पकड़े। बोला जो जिंदगी भर भूत प्रेत पिशाच से भगाया उसको हम क्या कर सकते। फियर फोबिया एक ऐसा चीज़ है जो उससे निकलना एक तो मुश्किल है, और जो निकला ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ेगा वो भी गिरेगा। सुनाओ ये विषय मेरा यहाँ है, मैनेजमेंट ऑफ फियर, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट कैसे करें, समाधान क्या है। तो सबसे पहला बेसिक बात करते हैं, हनुमान जी का शरण में जाना, क्योंकि राहु का फियर हो या शनि का फियर हो, एक हनुमान चालीसा, दूसरा संकट मोचन स्तोत्र, अष्टकम, सहस्रनाम, इन सब के बावजूद सुंदरकांड का पाठ रेगुलर नित्य, जब तक ये दशा अंतरदशा गोचर चल रहा है, पकड़ लो डेढ़ साल सप्तम में राहु चलेगा या शनि चलेंगे ढाई साल, तो ढाई साल तक अदरवाइज आप जस्ट नॉट सेफ फ्रॉम दिस फियर। हाँ वो दशा जाएगा उसके बाद खुद पे हंसोगे, अरे यार बिना फालतू का मैं डर रहा था, है ना। और ऐसा भी दशा आता है जहां आपको फियरफुल नहीं करता है, कॉरेजियस बनाता है। रात को 12:30, 1, 2 होल ओवर नाइट जंगल के अंदर गाड़ी चला रहे हो, मसान के ऊपर बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, कोई भय नहीं, खेल ग्रहों का। दूसरा है इफ माँ काली के शरण में जाना, जब तब पूजा पाठ करना, एंड स्पेशली अगर ये डिजीज हो चुका है आपके लिए तो काली सहस्रनाम इन काली मंदिर या फिर श्मशान या फिर नदी तट और शिवालय। चौथा पाठ, सॉरी थर्ड वन, जो लोग मेंटल फोबिया एंड फियर में गिरे उनके लिए वो कुंडली देख के कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो पुष्या नक्षत्र में, स्वाति में और कुछ पुनर्वसु में स्पेशल कलेक्ट करके उसको धारण करना। चौथा, किसी को गुरु बनाइए, काउंसलिंग के ऊपर फेस करिए ताकि वो आपको सत्य को दिखा दे। पांचवा, मेडिटेशन, योग निद्रा। सातवां, फास्टिंग। इस प्रकार बहुत सारे तरीके हैं। और एक ओवरऑल मेरे जिंदगी में इसके लिए एक रिसर्च के द्वारा
बहुत से ऐसे लोगों को, चूहा को भी दे दूं तो बिल्ली हो जाए, एक हर्ब्स है, लेकिन वो गुरु आज्ञा नहीं है कि उसको डिस्क्लोज करें। हाँ, उसके लिए हवन वगैरह करना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि आ गया आप हमें भकुआ बनाने के लिए पैसा वैसा मांगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो एक ऐसा हर्ब्स है जो आदमी के अंदर मेंटल फियर को दूर करता, तेज को बढ़ाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। इस सीरीज के ऊपर फिर आगे और विचार करेंगे। लेकिन आप जो लोग भी भयभीत हो किसी भी कारण से, कोई ब्लैकमेल से हो या किसी प्रकार के बिना फालतू का बातचीत से हो, आप हमें ज़रूर संपर्क करिए, हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे इस प्रकार के तत्वों से। हाँ, कुंडली जरूर दिखा देना। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।